वक्त की बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां सिवान नगर परिषद के सभापति सिंधू सिंह और उपसभापति बबलू शाह के खिलाफ लगा अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो चुका है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को जो अविश्वास प्रस्ताव नगर सभापति सिंधू सिंह और उपसभापति बबलू शाह के खिलाफ लगा था, उसे राज्य निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से खारिज करते हुए नगर सभापति और उपसभापति की कुर्सी को सुरक्षित कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सिवान नगर परिषद की एक विशेष बैठक आयोजित करके कुछ सदस्यों ने नगर परिषद के सभापति सिंधू सिंह और उपसभापति बबलू शाह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। विरोधी खेमा के द्वारा आनन फानन में पारित किए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ नगर सभापति के खेमा ने राज्य निर्वाचन आयोग के पास शिकायत किया था। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने 7 नवंबर को अपने पत्रांक के माध्यम से सिवान जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी नगर परिषद को सूचित करके 17 अक्टूबर को सिवान नगर परिषद के विशेष बैठक में पारित अविश्वास प्रस्ताव को तकनीक रूप से गलत बताया था। इसके बाद उक्त बैठक में पारित अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद नगर परिषद के उप सभापति बबलू शाह, वार्ड पार्षद रंजना श्रीवास्तव, वार्ड पार्षद जेपी गुप्ता, राजन शाह समेत भाजपा और जदयू के कई नेताओं ने जमकर पटाखे फोड़े। शहर के जेपी चौक पर जमकर आतिशबाजी की और अपने जीत का जश्न मनाया। वहीं नगर परिषद के उपसभापति बबलू शाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नगर परिषद के सभापति व उपसभापति के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद ये उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र और हमारे समर्थक नगर पार्षदों की जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां सिवान नगर परिषद के सभापति सिंधू सिंह और उपसभापति बबलू शाह के खिलाफ 17 अक्टूबर को पारित अविश्वास प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया है। तो जो नगर सभापति थी सिंधू सिंह और उपसभापति बबलू शाह थे, उनकी कुर्सी बच गई है, ये सुरक्षित रह गई है। सबसे पहले मैं सिवान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहा और हमेशा हमारा सहयोग किया। कहते हैं सच से कभी छुप नहीं सकता है, लेट होता है, लेकिन सच उजागर जरूर होता है। ये सच की जीत है और आज हम लोग कानून के माध्यम से हम लोग अपना कुर्सी बचा लिए। लोग इसमें जो काले बादल छाए हुए थे, जो संकट के घड़ी थी, वो सारी घड़ी छट गई है और चुनाव निर्वाचन आयोग के माध्यम से हम लोग कुर्सी बरकरार है। जो यहाँ पर गलत व्याख्या किया गया था, तत्समय पदधारी पार्षदों के बहुमत के आधार से हटाना था। ये तत्समय के मतलब भूलवश ये लोग डीएम साहिबा हमारे स्कूटी ऑफिसर नहीं समझ पाए लोग, जिसके कारण थोड़ा परेशानी हुई, लेकिन हम लोगों को चुनाव आयोग की तरफ से रिलीफ मिला है और हम लोग कुर्सी हम लोग के बरकरार है। जो अविश्वास प्रस्ताव पे बहुमत उस दिन सिद्ध हुआ था, आखिर कहाँ गलती रही, थोड़ा सा दर्शकों को आप देखिए जो बहुमत जो सिद्ध पारित किया गया था अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ। तत्समय के मतलब ये लोग उपस्थित पार्षदों की संख्या समझिए, लेकिन तत्समय का मतलब होता है जितने पार्षद हैं उस पार्षद को बहुमत के आधार से हम लोग को हटाया जा सकता है, मतलब वाइस चेयरमैन को हटाया जा सकता है। तो तत्समय पार्षद की संख्या 38 है, दो पार्षद निलंबित हो चुके हैं, तो पार्षद की संख्या 36 बची, 36 का आधा होता है 18 और 19 पार्षद ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हटा सकते हैं, जिसका
जिसका विवेचन पूरा अच्छी तरह से धारा 25 के 4 के विचार के अनुसार हम लोग बचे हैं लोग। और यहाँ पे कुछ तत्समय के मतलब लोग उपस्थित पार्षदों की संख्या समझ ले लो, जिसके कारण लोग ये घने बादल हमारे ऊपर कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी पार्षदों को जो हमारे साथ कदम से कदम मिला कर रहे हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। और सिवान की जनता को धन्यवाद देता हूँ जो हमेशा हम लोग के साथ रहे। चलिए, जो विपक्ष द्वारा जो आरोप लगा था जिसके अविश्वास प्रस्ताव के लिए डाला गया था, क्या अब वो आरोप जो लगा था उससे काम होगा? विपक्ष द्वारा बिल्कुल बेबुनियाद आरोप था। जो जो विपक्ष में साइन किए थे या हम लोग के खिलाफ वोटिंग किए थे उनके वार्ड में जाकर देखिए, किसी के वार्ड में 70 लाख 50 लाख 1-1 करोड़ तक काम हम लोग दिए हैं। लोग कहीं भेदभाव नहीं किया गया, लेकिन ये प्रोपेगंडा बनाकर सच को झुकाने के लिए और मेन हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन को हटाने के लिए ये लोग षड्यंत्र रच के अपना ये काम किए थे। लोग हमारी प्राथमिकता रहेगी कि पहले हम शहर की सफाई करें लोग, जो बहुत ही एक वजह से लगातार पूरा अस्त व्यस्त शहर पड़ा हुआ है, इसको सफाई तुरंत करना है। मच्छर बहुत ही शहर आ गए हैं, इसको फॉगिंग कराना है। और जो आप सड़क की बात करते हैं बबुनिया मोड़ से लेकर तरवड़ा मोड़ तक, ये सड़क एनएच की है और RWD द्वारा इसका टेंडर हो चुका है, लेकिन जो भी बंद पड़ेगा हम लोग नगर पालिका से करेंगे। लोगों के मैसेज यही देना चाहेंगे कि हमारा शहर है, सिवान शहर हमारा है, आप सबका शहर है, शहर को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, सुंदर रखिए और समय पर टैक्स भरिए ताकि नगर पालिका और विकास कर सके। हम लोग बहुत खुश है, पहले से भी जानकारी था कि वो जीत हम लोग की जीत होगी और थोड़ा सा मिस्टेक के कारण इतना समय में कमी कहीं नहीं रही थी, मतलब जो चुनाव करवा रहे थे उनके हमको नहीं, जो पदाधिकारी चुनाव करवा रहे थे उनके मिस्टेक के कारण हुआ था। शुभकामना देंगे हम चेयरमैन और उप चेयरमैन को भी, सब परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। किस तरह की प्राथमिकता रहेगी, क्या काम करेंगे आप जीतने के बाद? विकास होगा सिवान में विकास होगा, जो विकास एक महीने से रुका था वो विकास फिर से चालू हो जाएगा। सबसे पहले तो प्रशासन के द्वारा गलत प्रक्रिया के तहत अविश्वास लाया गया था, जिसके वजह से सभी पार्षदों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी, खास करके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को। और आज सत्य की जीत हुई है और मैं सिवान की समस्त जनता को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने इसमें आस्था रखा। हाँ, हम लोग फिर से इस बोर्ड को अच्छे से चलाने का कार्य करेंगे और जनता के हित में जो जनता के लिए कार्य हो सके, उनको डायरेक्ट उससे फायदा हो सके, उसको पहले हम लोग ध्यान में रखेंगे।